सभी को नमस्कार। श्रीमती कुमानबाई पन्नालाल भंसाली, राजकीय कन्या महाविद्यालय पाली से, मैं जितेश कुमार जांगिड़, सहायक आचार्य चित्रकला, सर्वप्रथम आप सभी का ऑनलाइन ई क्लासरूम में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि हम बीए द्वितीय वर्ष की चित्रकला विषय के अंतर्गत विभिन्न भारतीय चित्रकारों का अध्ययन कर रहे हैं, पूर्व के भाग में हमने नारायण श्रीधर बेंद्रे, उनके जन्म, उनकी शिक्षा, उनकी कलात्मक उपलब्धियाँ, उनकी जीवन यात्रा और बेंद्रे की कला जो है मूल रूप से तीन कालों में विभाजित है, उसका अध्ययन किया। साथ ही प्रेरणा और उनके चित्रण पर जिसका प्रभाव पड़ा उसका भी अध्ययन किया। उनके माध्यम और विषय का भी हमने अध्ययन किया। इसके साथ हमने कलागत विवेचन के अंतर्गत बेंद्रे की कला और रंगों का अध्ययन किया। और कलागत विवेचन के अंतर्गत ही हम अध्ययन करेंगे चित्रण की बेंद्रे शैली का। नारायण श्रीधर बेंद्रे किसी विशेष शैली का, चाहे वह परंपरावादी हो अथवा आधुनिक, उन्होंने उनका अनुकरण नहीं करके अपनी विशिष्ट पद्धति बेंद्रे शैली में काम करके अलग पहचान बनाई। नारी चित्रण भी इन्होंने अपनी इसी खास शैली में ही किया। बेंद्रे के पात्रों में हमें भाव प्रवणता और गांभीर्य के दर्शन होते हैं। उन्होंने कैनवास पर जो भी अभिव्यक्ति की वह अत्यंत सुंदर और चिताकर्षक बन पड़ी है। उनके जल रंग तथा तेल रंगों में किए गए अंकन का चिताकर्षक वैभव सबसे भिन्न और अनूठा है। अर्थात इन्होंने जो अधिकतर काम किया है वो जल रंगों और तेल रंगों में किया है। टेम्परा में भी इन्होंने हालांकि काम किया है। प्रकृति तथा मानव जीवन के कितने ही रूपाकारों के लिए इन्होंने पेन और इंक तथा पेंसिल माध्यम भी अपनाया है। और माध्यम की जो विविधता है उनकी कला की एक अनंतम विशेषता है। और इसके साथ ही यद्यपि इनकी जो कृतियाँ हैं वो जीवन तथा इसके आसपास के वातावरण से प्रभावित है, लेकिन इनकी जो कृतियाँ है वो शुद्ध कला रूप का अनुभव कराती है। ऐसा वह अपने लयात्मक रूपाकारों में भावपूर्ण संयोजनों का संतुलित पैटर्न व रंगों में प्रस्तुत कर सकते हैं। उनकी शैलीगत प्रवीणता में रेखा पर अधिकार है, क्योंकि उनकी रेखा सजीव तथा घुमावदार और लालित्य से युक्त होती है। मतलब इनकी जो रेखा सौंदर्य है इनकी कला में वो भी अद्वितीय है, जो लालित्य युक्त है। और इनका कथन है कि कला में शब्द नहीं है, उसमें रंग ही प्राथमिक महत्व की वस्तु है। और माध्यम के रूप में हम रंग को किसी भी कलाकृति से अलग करके नहीं देख सकते। जो लोग कला के संबंध में बोलते हैं या लिखते हैं उन्हें रंगों के बारे में गहन समझ विकसित करनी चाहिए। ये तो बेंद्रे का कथन है एक तरह से माध्यम के रूप में रंगों के ऊपर। ये यही कहते हैं कि हमें रंगों के बारे में समझ विकसित करनी चाहिए, हमें रंगों का पूरा ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि ये खुद भी अपने चित्रों में जो है चटक और आकर्षक रंगों का प्रयोग करते थे, जिसमें लाल, पीला, भूरा ये रंग है ये प्रमुख है। इनके विचार से कला सृजन जो है वो मौलिक होना चाहिए। इनका कहना है कि मैं ऐसा सृजन करूं जिसमें भारतीयता की गंध हो,
कलाकार को चाहिए कि वह अपने विवेक से सदैव ऐसा कार्य करे जो नवीन तो हो ही साथ ही मूल्यवान कलाकृति भी कहला सके। मतलब इनका सृजन जो है, स्वयं का जो सृजन है वो मौलिक भी है और नवीन भी है। कलाकार को भी ऐसा काम करना चाहिए क्योंकि इनके काम में भारतीयता की गंध आती है। गंध से मतलब है इनका जो काम है पूरी तरह से भारतीय कला को समर्पित है। हालांकि इन्होंने जो है पश्चिमी तकनीक अपनाई, लेकिन विषय इनके पूर्णतया भारतीय ही थे। भारतीय जो नारी है वो उसको केंद्र में रखा, भारतीय जीवन को केंद्र में रखा। नारायण श्रीधर बेंद्रे निसंदेह एक महत्वपूर्ण तथा सार्थक कलाकार थे और उनकी महत्ता एक विवेकपूर्ण कला अध्यापक के रूप में भी थी। अब हम बात करते हैं इनके कला संग्रह की। इनके जो कलाकृतियाँ हैं, इनके जो चित्र हैं, वो देश की प्रमुख कला दीर्घाओं नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट नई दिल्ली और इसके साथ अनेक संग्रहालयों में देखने को मिलती है। अब हम बात करते हैं इन्होंने जो प्रमुख चित्र बनाए, इनकी प्रमुख कृतियों की, कौन कौन से चित्र इन्होंने बनाए, उन चित्रों के शीर्षक जिनका हम अध्ययन करेंगे। उनके जो प्रमुख चित्र हैं, उन चित्रों में है प्यास, फल बेचने वाली, लकड़ी काटने वाली, कुएं पर पानी खींचती युवतियाँ। मतलब मैंने जैसे बताया था कि इन्होंने जो है नारी चित्रण प्रमुखतया से किया है, तो ये नारी को समर्पित चित्र है एक तरह से। इसके साथ ही श्रृंगार, गन्ने वाली, कंधे पर बच्चा, लकड़ी का गट्ठर उठाते, दार्जिलिंग के चाय बागान में युवती, सौराष्ट्र का बरवाड़, सूर्यमुखी फूल, प्रतीक्षा, गपशप, माँ बेटा, श्रमिक, स्टिल लाइफ, मुर्गियाँ, गाय और बछड़ा, तोता और चमेलियन, राजस्थान का ग्रामीण, काठियावाड़ का ग्रामीण। ये जो मैंने प्रमुख जो है चित्रों के शीर्षक आपको बताए, ये इनके प्रमुख चित्र रहे हैं। इनके अलावा भी काफ़ी मात्रा में इनके चित्र जो है इन्होंने जो है चित्र बनाए थे। अब हम बात करते हैं इनके जो है रंगीन चित्रों की। मैंने कुछ जो चित्र है आपके लिए मैंने ऑनलाइन जो है नेट के माध्यम से संग्रहित किए हैं, मैंने उनको आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। ये सभी जो चित्र हैं वो नारायण श्रीधर बेंद्रे के द्वारा निर्मित है। प्रस्तुत चित्र जो है वो एक युवती का है और इसका शीर्षक है विमेन एंड गणेश। जो महिला है, जो युवती है, वो गणेश की वंदना कर रही है, जो भगवान गणेश है उनकी पूजा कर रही है। और यह चित्र उन्होंने 1990 से 1992 के बीच बनाया था। आप देख सकते हैं चित्रों में चटक रंगों का प्रयोग है, लाल रंग का जो है सिंदूरी रंग का जो प्रयोग है इन्होंने अच्छे से किया है। अगला जो चित्र का शीर्षक है वो है कंस्ट्रक्शन। इस चित्र में आप देख सकते हैं महिलाएं जो है कंस्ट्रक्शन के कार्य में लगी हुई है, मेहनत कर रही है। महिलाओं को इन्होंने अपने केंद्र में रखा है, यह चित्र उसका उदाहरण प्रस्तुत करता है। अगला जो चित्र जो आपके सामने प्रस्तुत है यह है जिसका शीर्षक है पायल बंधन। ये
जो चित्र बनाया है इन्होंने, इसमें रंगों को सपाट रूप में लगाया है और जो है बड़े बड़े तूलिका घातों का रंगों में चित्रण में प्रयोग किया है। अलग अलग समय में इनकी शैली में जो है प्रभाव पड़ा था, इन्होंने जो शैली अपनाई थी उनसे प्रभावित यह चित्र है। जैसा कि मैंने बताया था कि ये यथार्थ रूप को भी नहीं छोड़ते थे और अमूर्त की तरफ वो चले जाते थे। यह जो चित्र है जिसका कोई शीर्षक नहीं है, शीर्षकहीन है, अनटाइटल है, यह कैनवास पर तेल रंग से निर्मित है। 1989 में इसका चित्रण किया गया। 3 महिलाएं जो है वो बागान में बैठी है और ये बातचीत जो है कर रही है। प्रस्तुत चित्र जो है यह भी अनटाइटल है, जो जल रंग से पेपर पर निर्मित है। चित्र में आप देख सकते हैं मार्केट में एक जो है तांगे वाले का, तांगे का चित्रण है। प्रस्तुत चित्र गर्ल ऑन स्विंग, झूले पर लड़की, 1989 में इन्होंने तेल रंग में चित्रित किया, जो कैनवास पर बना है। समाज चित्र जो है नारी को केंद्र में रखे गए हैं। अगला चित्र आप देख सकते हैं मेमने के साथ ग्रामीण महिला, 1968 में निर्मित। काम करती 2 महिलाएं इनके चित्रों में शामिल है। प्रस्तुत चित्र है गपशप, 1988 में इन्होंने चित्रित किया। महिलाएं और कुछ छोटे बच्चे इस चित्र में चित्रित हैं और इन्होंने जो है बहुत ही सुंदर जो है रंगों का संयोजन इसमें किया है। संथाल युवती, यह जो चित्र है इसमें आप देख सकते हैं विभिन्न कालों का प्रभाव इसमें पड़ा है। अमूर्त, अभिमंजनावादी, घनवादी शैलियों का प्रभाव भी इनमें हम देख सकते हैं। टोकरी बुनते महिला, प्रस्तुत चित्र जो है आप देख सकते हैं महिला एक टोकरी बुन रही है और पास में ही एक बच्चा उसके बैठा है। ग्रामीण परिवेश में महिला का चित्रण इन्होंने किया है। माँ व बेटा या मदर एंड चाइल्ड, ये इनका प्रमुख चित्र है। कृष्ण ऑन कालिया, 1991 में इन्होंने तेल रंग से कैनवास पर इस चित्र को निर्मित किया, जिसमें नीले रंग का अत्यधिक प्रयोग किया गया है। भगवान श्री कृष्ण जो है कालिया नाग पर विराजमान है, कालिया नाग का दमन कर रहे हैं। यहाँ तक था नारायण श्रीधर बेंद्रे और उनकी कला का अध्ययन। आगे हम चित्रकार के हेबर अर्थात कांटीगरी कृष्ण के कला कार्यों का, उनके जीवन का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।